केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अटारी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। अटारी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रभारी सुनील देवगन और उनकी पत्नी बलविंदर कौर ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया और केंद्रीय मंत्री ने हल्का अटारी के 1433 कुली परिवारों की समस्याएं सुनी और उनको हल करने का आश्वासन भी दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लोकसभा प्रवास योजना में अमृतसर देहात क्षेत्र के दौरे पर रहा, अभी अटारी बागा बॉर्डर पे ये मीटिंग हुई जो इंटरनेशनल बॉर्डर के समीप एक विषय है। दो तीन विषय हमारे ध्यान में आए जो बहुत ही ऐसा लगता है कि जिसे इनकी नीड है, ऐसा मुझे लगा। 1433 ऐसे परिवार हैं जो काम करते थे कुली का, लेकिन इंडो पाक ट्रेड में डिस्टर्बेंस आने के कारण इनका काम बंद हुआ तो ये बेरोजगार हो गए। इनका कैसे पुनर्वास हो, और हम निश्चित रूप से इनका पुनर्वास कराएंगे, क्योंकि ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से भी बिलोंग करते हैं, गरीब भी हैं और नीड भी है। इनके परिवारों से भी मैं मिला, परिवार के लोग भी यहाँ मातृशक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित थी। हमारी नाबार्ड की एक योजना है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, जो महिला सशक्तिकरण या महिला जो हाथ का हुनर जानती है या नहीं जानती है तो उनका हाथ का हुनर सिखा करके उनको हम नाबार्ड से इनको एम्पावर करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट दिलाएंगे। और यहाँ पे इतने लोग आते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे तो इनका मार्केटिंग का भी एक आउटलेट खड़ा कर देंगे, तो इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, इनकी इनकम जनरेट होगी और इनके जो मकान अभी नहीं बन रहे हैं क्योंकि इनके पट्टे नहीं हैं, तो हम एक स्वामित्व योजना के माध्यम से इनका एक सर्वेक्षण करवा करके इनके पट्टे भी बनाएंगे, जिससे इनको एम्पावरमेंट हो कि हम बॉर्डर पे तो बैठे हैं, सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम बेघर हैं, ऐसे भाव उनके मन में जो आ रहे हैं उनको हम निश्चित रूप से दूर करेंगे। धन्यवाद। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर सुशील देवगर, बलविंदर कौर, भाजपा के वरिष्ठ नेता सरदार रजिंदर मोहन छिना, प्रधान सरदार मनजीत सिंह मन्ना, मनदीप, अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो ये थी अमृतसर से हमारे संवाददाता विशाल शर्मा की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।